नमस्कार, मैं हूं अभिषेक चतुर्वेदी। धर्म कर्म में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं पंचांग पर। बुधवार 14 फरवरी 2024 शुभ विक्रम संवत 2080 संवत्सर का नाम पिंगल, शाक्य संवत 1945, हिजरी संवत 1445, मुस्लिम मास सावान 3, अयन उत्तरायण, ऋतु शिशिर मास माघ पक्ष शुक्ल। बताते हैं आपको आज कौन सी तिथि है और पंचांग के मुताबिक यह आपके लिए क्या फलदायी है। शुभ तिथि पंचमी, पूर्णा संज्ञक तिथि दोपहर 12:10 तक, तदुपरांत षष्ठी नंदा संज्ञक तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पंचमी तिथि में यथा आवश्यक समस्त स्थिर व चंचल कार्य, यज्ञोपवीत, विवाह, प्रतिष्ठा, वास्तु, विपणी, व्यापारारंभ, विद्यारंभ आदि सभी घरेलू कार्य व उत्सव आदि शुभ होते हैं। वैसे भी आज बसंत पंचमी का स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त सभी कार्यों के लिए शुभ व सिद्धिदायक है। जानिए पंचांग के अनुसार आज कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्रों का कैसा योग बन रहा है, ये क्या फलदायी हो सकते हैं। नक्षत्र रेवती मृदु व त्रियंगमुख संज्ञक नक्षत्र प्रातः 10:43 तक, तदुपरांत अश्विनी शिप्र व त्रियंगमुख संज्ञक नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र में घर, देव मंदिर, अलंकार, विवाह, जनेयु, जलवस्थल संबंधी कार्य, और इसी प्रकार अश्विनी नक्षत्र में यात्रा, दवा, ग्रहण, अलंकार, विद्या, चित्रकारी और कलादि कार्य शुभ सिद्ध होते हैं। पंचांग में आज के योग पर नजर डालें तो आज कौन कौन से योग बन रहे हैं, इनमें विशिष्ट योग कौन सा है, ये भी आपको बताते हैं। योग शुभ नामक नैसर्गिक शुभ योग रात्रि 7:58 तक, तिरंतर शुक्ल नामक नैसर्गिक शुभ योग रहेगा। विशिष्ट योग कुमार योग नामक शुभ योग प्रातः 10:43 से सूर्योदय तक, तथा रवि योग नामक दूर समूह नाशक शक्तिशाली शुभ योग भी प्रातः 10:43 से है। करण बालव नामकरण दोपहर 12:10 तक, तिरंतर कौलव व तैतिल आदि करण क्रमशः है। नजर आज के व्रतोत्सव, त्योहार और विशेष आयोजनों पर भी डाल लेते हैं। व्रतोत्सव आज बसंत पंचमी स्वयं से दबूज मुहूर्त है। सरस्वती पूजन, श्री पंचमी, बागेश्वरी जयंती, तक्षक पूजा, रतिकाम महोत्सव, बागेश्वरी यात्रा, दर्शन व पूजा, काशी, सेंट वैलेंटाइन दिवस तथा गंडमूल संपूर्ण दिवारात्रि। और अब जानिए ज्योतिषियों के मुताबिक पंचांग में चंद्रमा की स्थिति क्या रहने वाली है, राहुकाल और दिशाशूल के बारे में भी जानिए। चंद्रमा प्रातः 10:43 तक मीन राशि में, इसके बाद मेष राशि में होगा। दिशाशूल बुधवार को उत्तर दिशा की यात्रा में दिशाशूल रहता है, पर आज प्रातः 10:43 तक मीन राशि के चंद्रमा का वास उत्तर दिशा की यात्रा में सम्मुख रहेगा। इसके मेष राशि के चंद्रमा का वास पूर्व दिशा की यात्रा में सम्मुख होगा। यात्रा में सम्मुख चंद्रमा को लाभदायक व शुभप्रद माना गया है। राहुकाल मध्यमान से दोपहर 12 बजे से दोपहर बाद 1:30 तक। राहुकाल वेला में शुभ कार्यक्रम यथासंभव वर्जित रखना हितकर है। आइए बढ़ते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय की ओर और जान लेते हैं शुभ मुहूर्त और श्रेष्ठ चौघड़िये के बारे में। शुभ मुहूर्त आज बसंत पंचमी पर स्वयं से दबूज मुहूर्त भी है। प्रसूति स्नान, जलवा, हल प्रवहन, विपणी व्यापारंभ रेवती नक्षत्र में, तथा विवाह, वाहन क्रय, मशीनरी प्रारंभ, चूड़ा पहनना, विद्यारंभ, मुंडन, अक्षरारंभ, द्विरागमन, नामकरण, अन्नप्राशन, प्रतिष्ठा, जलाशय आदि के अश्विनी में, तथा विवाह रेवती में राह युति दोषयुक्त मुहूर्त है। शेष चौघड़िया सूर्योदय से प्रातः 9:55 तक लाभ व अमृत, पूर्वाहन 11:18 से दोपहर 12:41 तक शुभ, तथा अपराहन 3:27 से सूर्यास्त तक चर्व लाभ के शेष चौघड़िये हैं, जो आवश्यक शुभ कार्यक्रम के लिए अत्युत्तम है। बुधवार को अभिजीत मुहूर्त शुभ कार्य में तयाजय है। और अब आपको बताते हैं जिन बच्चों का जन्म आज हुआ है, ज्योतिषानुसार उन बच्चों की राशि क्या होगी और उनका स्वभाव कैसा रह सकता है। आज जन्म लेने वाले बच्चों के नाम ची, चू, चे, चो, ला आदि अक्षरों पर रखे जा सकते हैं। प्रातः 10:43 तक जन्मे जातकों की जन्म राशि मीन व इसके बाद जन्मे जातकों की जन्म राशि मेष है। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति व मेष राशि के स्वामी मंगल है। इनका जन्म स्वर्णपात से है। सामान्यतः जातक सुंदर, कामातुर, मृदुभाषी, कवि, लेखक आदि और धनी, बुद्धिमान, जनप्रिय, परोपकारी और यशस्वी होते हैं। इनका भाग्योदय लगभग 22 से 25 वर्ष के आयु के मध्य प्राय हो जाता है। मीन राशि वाले जातकों को किसी भी प्रकार के तनाव से बचकर चलना चाहिए। तो पंचांग, ग्रह, नक्षत्र और चौघड़िये आदि के बारे में जाना आपने। उल्लेखनीय है कि ग्रह नक्षत्र भी उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद की मेहनत पर भरोसा रखते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।